चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह पर इल्जाम लगाते थे और लगाते हैं कि वो तो एक स्पेशल जाति के नेता थे। पंचायतों में अपनी बात मनवाने का जो तरीका इस क्षेत्र को सिखाया वो स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सिखाया। सरकारें हैं वो इस किसान मजदूर के खिलाफ कार्य करती है। आज के इस भव्य और सुंदर प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके गौरव आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी, वे सभी खापू के चौधरीगण, आदरणीय राज्यपाल बालियान जी, चले गए दिखे, आदरणीय राज्यपाल बालियान जी, विधानमंडल दल नेता राष्ट्रीय लोकदल, वे सभी अतिथिगण और भव्य भारत की भावी आशाओं। साथियों, आज हम उस महान आत्मा का 120वां जन्मदिवस मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, जिस महान आत्मा ने एक साधारण किसान फैमिली में जन्म लेकर संघर्ष को अपना रास्ता बनाकर किसान मजदूर की सेवा की और इस किसान मजदूर के अधिकारों की लड़ाई कानूनवत और संविधानिक की। वैसे तो किसानों की लड़ाई सर छोटू राम ने शुरू की थी, लेकिन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने संविधानिक तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ी और कई एक ऐसे अधिनियम और संशोधन उन्होंने किए जिनका लाभ इस किसान बिरादरी को हुआ। कई लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह पर इल्जाम लगाते थे और लगाते हैं कि वो तो एक स्पेशल जाति के नेता थे। नहीं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने जब जमींदारा उन्मूलन अधिनियम लाया गया, उनके द्वारा चकबंदी अधिनियम उनके द्वारा लाया गया, तो इन अधिनियमों से सबसे ज्यादा फायदा दलित समाज और पिछड़े समाज को हुआ था। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह पर जाति विशेष का भी इल्जाम इन लोगों ने लगाया, उस टाइम की राजनीति ने लगाया, लेकिन जिस टाइम वो महापुरुष इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पहला कदम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का था कि जो संस्था जाति के नाम से होगी उसको कोई भी सरकारी मदद नहीं मिलेगी। तो वह जाति के भी विरोधी थे। कोई भी महान आदमी, कोई भी विचारधारा महान कब हो सकती है, चाहे वो रहो या ना रहो, परंतु यदि
के द्वारा चलाई गई विचारधारा इस समाज को अपनी दृष्टि दिखाती हो तो वो महान आदमी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने किसान मजदूर की एक विचारधारा चलाई और जो आज भी इस देश में चल रही है, इसलिए वे महान आदमी है, महान आदमी थे। साथियों, मैं अभी गौरव भाई ने कहा उसी बात पर आना चाहता हूं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बाद यदि इस किसान मजदूर की आवाज किसी ने उठाई तो वो चौधरी और आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत ने उठाई। और ये जो पंचायतें हैं, पंचायतों में अपनी बात मनवाने का जो तरीका इस क्षेत्र को सिखाया वो स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सिखाया। साथियों, मेरे याद है जब हम छोटे से थे तो स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सानिध्य में कभी कभी आने का मौका मिलता था। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत सच्चे समर्थक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के थे और किसान मजदूर की विचारधारा के थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं आदरणीय नरेश टिकैत और आदरणीय राकेश टिकैत के सानिध्य में हमें समाज सेवा करने का मौका मिल रहा है। और वो उस विचारधारा को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा को आदरणीय नरेश टिकैत और आदरणीय राकेश टिकैत और आदरणीय चौधरी जैन सिंह आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। आज इस प्रोग्राम को देखकर, इस दिव्य प्रोग्राम को देखकर मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं तहे दिल से गौरव भाई का धन्यवाद करता हूं। आज का जो विषय है संवाद का और युवा संवाद का, वो एक अद्वितीय विषय है। यहां हमारे स्कूलों के प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमें अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। महापुरुषों से को याद करना और उनका जन्मदिन मनाना तभी अच्छा लगता है जब हम उनसे कुछ सीखे, उनसे प्रेरणा ले। आज का समय बहुत संघर्ष का समय है। आज की जो सरकारें हैं वो इस किसान मजदूर के खिलाफ कार्य करती है और किसान मजदूर की जो नीति है, जो विचारधारा उसके खिलाफ है। लेकिन ये सरकारें इन युवाओं के खिलाफ है। और यदि ये जो युवा आज यहां बैठा हुआ है, यदि इसे इस देश के भविष्य की चिंता है और अपने अपने परिवार की और इस क्षेत्र की चिंता है तो उसे रात दिन कड़ा संघर्ष करके और अपने आदर्श, अपने इन महापुरुषों को बना करके आगे बढ़ना होगा। मेरी कुछ बहनें भी यहां बैठी हुई हैं और एक अभी एक मेरी बिटिया ने और बहन ने सभी ने सम्मानित भी किया है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और दूसरी जो हमारी बहनें हैं उनसे आशा करता हूं कि वे ऐसी लड़की से प्रेरणा लें और वो भी आगे बढ़ने का कार्य करें। टाइम काफी हो गया, दो बार मुझे कह दिया लेकिन बोलने को बहुत कुछ था। अंत में मैं फिर गौरव भाई का फिर धन्यवाद करता हूं। कई बार मैंने देखा भाई सामाजिक सेवा में तो थोड़े बहुत हम भी लगे रहे और भी कुछ लगे रहे, लेकिन एक अद्वितीय प्रोग्राम करना और वो भी एक महापुरुष के जन्मदिन पर, जयंती पर करना, ये अपने आप में एक नया है और हमारे लिए गौरव है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। मैं तहे दिल से फिर इनका धन्यवाद करते हुए और सभी युवाओं को अपनी
अपनी ओर से प्रेरणा देते हुए कि वो महापुरुष से कुछ प्रेरणा लेकर यहां से उठे और एक न एक दिन जरूर महापुरुषों की चलाई हुई नीति पर चलकर उन्हें आदर्श मानकर आगे बढ़ने का कार्य करें। जय हिंद, जय किसान और जय राष्ट्र।